नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बाहुबली और डॉन के नाम से मशहूर अशोक महतो की नवविवाहिता अनीता देवी को राजद ने मुंगेर से टिकट दिया है। अभी हाथ की मेहंदी छूटी ही नहीं थी कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने खुद उन्हें पार्टी का सिंबल थमा दिया, जिसके बाद अब मुंगेर की सीट से डॉन की पत्नी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। शुक्रवार की रात रावड़ी आवास पर अनीता देवी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात कर पार्टी का सिंबल ले लिया। 3 दिन पहले से अशोक महतो की शादी जो है अनीति देवी से हुई है और जेडीयू से अभी मुंगेर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। जेडीयू से पहले जो है राजद ने मुंगेर से डॉन अशोक कुमार महतो की पत्नी अनीता देवी को राजद का सिंबल थमा दिया है। माना जा रहा है कि जेडीयू से मुंगेर से ललन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। डॉन अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर से राजद का टिकट मिलने के बाद अब इस सीट पर फाइट काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाया है। इससे पहले ही अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को लालू यादव ने जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया है और डॉन अशोक महतो तब अचानक चर्चा में आए जब जो है खरमास में दिल्ली की अनीता देवी से अचानक शादी कर ली और शादी के बाद वे सीधे राजद सुप्रीमो लालू यादव के पास पहुंची तो सियासी हलकों में चर्चा जरा तेज हो गई और अशोक महतो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की जुगत में लगे हुए हैं। 17 साल जेल में रहकर महतो बाहर आए तो राजनीति में दाव आजमा रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लालू की प्रत्याशी घोषित करने का विरोध कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।